वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का महत्वपूर्ण फॉर्म साथी प्रमोटिव फॉर्म है, वो लास्ट डेट है, एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक प्रमोटिव फॉर्म नहीं भरा है तो आपको इसमें अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये सभी को भरना अनिवार्य है, वरना आपका जो है एक सेशन का नुकसान हो जाएगा और आप कोर्स में पिछड़ जाएंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्म किस किस को भरना है, कैसे भरना है, और अभी जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको असाइनमेंट कब सबमिट करना है, उनके एग्जाम कब होंगे, और इस रिलेटेड जो भी है हेल्पफुल जो स्टडी कंटेंट क्या रहने वाला है, आपको प्रमोटिव फॉर्म भरने में किन बातों का ध्यान रखना है, इस रिलेटेड जितनी भी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्प प्लान के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, जो वीओमी में जो प्रमोटिव फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो जुलाई 2023 के प्रमोटिव फॉर्म स्टार्ट हुए थे, और उनकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई 2023 थी। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली इंफॉर्मेशन की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको जो है प्रवेश सत्र जुलाई 2023 होती, जो प्रमोटिव जो विद्यार्थियों के ऑनलाइन जो फॉर्म भरने होते हैं वो 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर डेट है उसको 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है, और उसका नोटिफिकेशन जो कार्यालय आदेश है वो भी जारी हो चुका है, और बहुत जल्द आपको वेबसाइट पर अपडेशन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से साथी कमेंट्स करेंगे वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ आप फेंके, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये ऑफिशियली जो है अपडेट है कंप्लीटली, और ये जो ऑर्डर वगैरह है वो जारी हो चुके हैं, वेबसाइट पर बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, बस विश्वास बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको सही जानकारी मिलेगी 100%। अब बात आती है कि फॉर्म किसको अप्लाई करना है, तो ये जुलाई 2023 का प्रमोटिव फॉर्म है। इसमें क्या होता है, वीओएमयू कोटा एक ओपन यूनिवर्सिटी है, अपना बिना एग्जाम बिना रिजल्ट आपको अगली कक्षा का फॉर्म भरवाया जाता है, जिसको प्रमोटिव फॉर्म बोला जाता है। मतलब आप किसी कोर्स की मिनिमम अवधि पूर्ण करते हैं उस ईयर की, उसके बाद आपको अगली कक्षा का फॉर्म भरवा दिया जाता है। ये फॉर्म उन स्टूडेंट्स को भरना है जिनका भी एक साल से ज्यादा का कोर्स है, जैसे आपका एक साल का कोर्स है बीलिस है तो आपको नहीं भरना है, डेलिस वालों को नहीं भरना है। एक साल से ज्यादा का कोर्स है, जैसे बीए 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, तो उन सभी को ये प्रमोटिव फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें क्या होता है मोस्टली आपको अगले कक्षा का फॉर्म भरना होता है और कुछ सब्जेक्ट में जो ऑप्शन होते हैं वो चूज करने होते हैं। तो बिना परीक्षा बिना रिजल्ट आपको अगले कक्षा का फॉर्म भरना है। आपने जिन्होंने भी जुलाई 2022 में पिछले साल जिन्होंने अगर बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो आपको बीए सेकंड ईयर का प्रमोटिव फॉर्म जुलाई 2023 अभी अप्लाई कर देना। अगर आपने एमए प्रीवियस में लिया था तो फाइनल का प्रमोटिव फॉर्म अभी अप्लाई करना है। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में थे तो बीएड सेकंड ईयर का अभी अप्लाई करना है। मतलब एक साल से ज्यादा के कोर्स अगली कक्षा का फॉर्म आपको इसमें अप्लाई करना है। आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आया, वो टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा बिना रिजल्ट आपको अगली कक्षा का फॉर्म भरवाया जाता है। तो जिसको आप 31 अगस्त 2023 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपको ऑनलाइन जाकर फीस पे कर देनी है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको उसमें पता चल जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। मोस्टली सारी बातें ये सारी क्लियर इसमें हो जाती है। दूसरी बात है कि आपका जो जुलाई वाले जो स्टूडेंट्स है जो प्रमोटिव फॉर्म भरेंगे, अब मैं एग्जाम और असाइनमेंट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम अगर देख लेते हैं जो हेल्पफुल स्टडी कंटेंट के, क्योंकि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे प्रमोटिव फॉर्म तो वहां पर फीस के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो जो अगली कक्षा की फीस है उसमें अगर जो कंटेंट चाहते हैं जो स्टडी मटेरियल जो यूनिवर्सिटी की बुक लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आएगा, तो अगर आप बुक नहीं लेते हैं तो आपको 15% फीस है उसका रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाती है, तो उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं एज योर चॉइस, आपकी जो डिमांड है वो। बाकी यूनिवर्सिटी की बुक तो बेस्ट ऑफ बेस्ट होती है, बाकी अगर आप हेल्पफुल कंटेंट इसके अलावा चाहते हैं तो जो अजय मेरो पब्लिकेशंस की तरफ से जो आजाद 1 वीक सीरीज जारी की जाती है, बीए एमए बीएससी डिप्लोमा सभी कोर्सेज के लिए 1 वीक सीरीज उपलब्ध है, तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 1 वीक सीरीज के, इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे आजाद 1 वीक सीरीज मंगाने के लिए जो इनकी वेबसाइट है ajmerovomibooks.com वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट पर आपको जो सेलर्स की लिस्ट है वो भी मिल जाएगी, तो आपके नजदीकी जिला मुख्यालय पर भी ये 1 वीक सीरीज अवेलेबल रहेगी। तो अगर आप बुक्स वगैरह नहीं लेते तो भी आपके लिए स्टडी जो कंटेंट है शॉर्ट स्टडी मटेरियल जो है एग्जाम अकॉर्डिंग वो आजाद 1 वीक सीरीज में देखने को मिल जाता है, और आजाद 1 वीक सीरीज जो आपको देखने को मैं जो बता रहा हूँ इसमें इन कोर्सेज की आजाद 1 वीक सीरीज अवेलेबल है, तो आप इन जो कोर्सेज की जो बुक्स है इनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अकॉर्डिंग सारा शॉर्ट टर्म फिट कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये अजय मेरो पब्लिकेशन की आजाद 1 वीक सीरीज की आप हेल्प ले सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं जो अभी आप प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका जो है एग्जाम कब होगा। तो आप जुलाई 2023 में प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अभी जो जुलाई 2023 में प्रमोटिव फॉर्म भरेंगे तो आपके एग्जाम होंगे जून 2024। तो आपको जून 2024 एग्जाम होने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तो उसमें आप उस एग्जाम में आप शामिल, उस अभी जो फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम तब होगा। दूसरी बात है कि आपको असाइनमेंट कब शामिल करना, जिन भी कोर्सों के असाइनमेंट लागू है प्रमोटिव फॉर्म वाले मोस्टली कोर्सेज में असाइनमेंट लागू है, तो आपको क्या करना होगा 15 मई से पहले असाइनमेंट जमा करने, मतलब आप अप्रैल मई में अगले साल अप्रैल मई में जो है अपने असाइनमेंट तैयार करेंगे और उनको अपने रीजनल सेंटर पर या फिर जो स्टडी सेंटर के ऑप्शन है वहां पर जमा करेंगे। मैंने सारे असाइनमेंट वाले प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं, कैसे डाउनलोड करना है कैसे बनाना है सारी चीजें अपने चैनल पर मिल जाएगी, चैनल के साथ जुड़े हुए रहो, मैं जो बता रहा हूं इस अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ये कुछ तो बात है असाइनमेंट एग्जाम की। तो बाकी मैंने प्रमोटिव फॉर्म का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया है, आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, अगर आप समझ चुके हैं तो प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज है कमेंट्स कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात बताना भूल चुका हूं मैं,
अपना जो टेलीग्राम चैनल है वीओ म्यू को ऑल अपडेट मैं डेली शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा जाकर अपना जो टेलीग्राम चैनल है वीओ म्यू कोटा का स्पेशल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हर अपडेट मिलेगी सबसे पहले, तो वहाँ चैनल से भी जुड़े हुए रहेंगे। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।